हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ला एडुकेशन जीके में हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 425 और 426 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आईपीसी का सेक्शन 425 और 426 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, इस धारा में रिष्टि का अपराध भारत में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन थानों में दर्ज नहीं होता है। फ्रेंड्स, तो मैं आज रिष्टि के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ आईपीसी की धारा 425 के अंतर्गत, और इसके दंड को 426 में बताऊँगा कि इसमें यह रिष्टि का अपराध वेलेबल है कि नॉन वेलेबल है, यह संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है। तो फ्रेंड्स, और उदाहरण सहित मैं बताऊंगा ताकि आपको पूरा डिक्लियर जो डाउट्स है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 425 से 440 तक रिष्टि के अपराध के संबंध में विस्तार से विवरण एवं सजा का प्रावधान दिया गया है। यह कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन पुलिस थानों में दर्ज नहीं किए जाते हैं। अब क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, कभी कोई पीड़ित पुलिस थाने पहुंच भी जाता है तो पुलिस किसी अन्य धारा में मामला दर्ज कर लेती है। आपकी बाइक या फिर स्कूटर के सीट कवर को फाड़ देने से लेकर आपके आवश्यक दस्तावेजों को नष्ट करने तक और आपकी अंगूठी नदी नाले में फेंक देने से लेकर आपके घर तक पहुंचने वाले रास्ते को जाम कर देने तक सभी प्रकार के अपराध जो आम मनुष्य को तंग करने के लिए किए जाते हैं रिष्टि का अपराध कहलाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो में बताएंगे कि रिष्टि अपराध क्या है, इसकी परिभाषा हम समझेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम समझें रिष्टि क्या है। दोस्तों, रिष्टि को अंग्रेजी में मिसचीफ अर्थात नुकसान, हानि या क्षति कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर रिष्टि का अपराध किसी व्यक्ति को नुकसान, हानि पहुँचाने या क्षति पहुँचाने से नहीं होता, यानी अगर किसी व्यक्ति को हम नुकसान पहुँचाते हैं, क्षति पहुँचाते हैं तो रिष्टि का ये मतलब नहीं होता है। रिष्टि का अपराध व्यक्ति की चल अचल संपत्ति को हानि पहुँचाने से होता है, यानी जो व्यक्ति है उसकी चल और अचल संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे तब रिष्टि का अपराध होगा, ना कि उस व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने से रिष्टि का अपराध होता है। अब बात करेंगे, कोई संपत्ति को इस तरह नुकसान पहुंचाया हो जिसके मूल्य में कोई कमी आ गई, यानी कोई व्यक्ति आपकी चल संपत्ति को या अचल संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसका जो मेन वैल्यू है उसमें कमी आ जाए, मूल्य में कमी आ जाए, तब रिष्टि का अपराध होता है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 425 में इसके हम परिभाषा देख लें। धारा 425 रिष्टि के अपराध की परिभाषा को स्पष्ट करती है। जो उपयुक्त धारा रिष्टि करने वाले व्यक्ति के अंदर निम्न तत्वों का होना जरूरी है, यानी 425 में जो रिष्टि का आवश्यक तत्व है उसके लिए बहुत ही जरूरी जो तत्व है बता रहा हूँ मैं। नंबर एक, आरोपी ने किसी संपत्ति को जानबूझकर नष्ट किया हो, नुकसान किया हो, संपत्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन किया हो, यानी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान किया हो या संपत्ति को यहाँ से वहाँ फेंक दिया हो। और नंबर दूसरा, अगर आरोपी के कारण किसी संपत्ति के मूल्य में कोई कमी आ गई हो या उसकी उपयोगिता में कमी हो गई, यानी जो आरोपी है उसने संपत्ति के मूल्य के साथ छेड़छाड़ किया हो, उसको नुकसान पहुंचाया हो या उसकी उपयोगिता में कमी आ गई हो। और नंबर तीसरा, आरोपी ने किसी जनता को या किसी व्यक्ति विशेष को उसकी वैध संपत्ति को हानि पहुँचाने से की गई हो। तो फ्रेंड्स, ये रहे इसके आवश्यक तत्व। अब हम इसको एक महत्वपूर्ण वाद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर एक, रामू किसी संस्था से कुछ लोन लेता है और स्टाम्प पर या शपथ देता है कि वह पैसे को नहीं लौटाएगा तो उसकी संपत्ति जो भी है वह संस्था अपने कब्जे में कर लेगी, लेकिन रामू पैसे लेने के बाद जो शपथ पत्र है उस कागजात को जला देता है। यहाँ रामू ने रिष्टि का अपराध किया है। अगर इससे क्लियर नहीं हो तो दूसरा उदाहरण लीजिए।
अगर का नामक व्यक्ति खा की कोई अंगूठी जानबूझकर नदी में फेंक देता है, तब का ने खा की संपत्ति को नुकसान किया है। यहाँ का ने रिष्टि का अपराध किया है। आइए तीसरा समझते हैं। नंबर 3, सुखा सिंह बनाम सम्राट के बाद में आरोपी के नाम डाक द्वारा रजिस्ट्री पत्र आया। पोस्टमास्टर ने उससे पत्र लेकर उसकी पावती जो रसीद है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन हस्ताक्षर करने की बजाय उसने उस रसीद को फाड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर जमीन पर फेंक दिया। न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि पोस्ट रसीद डाक की संपत्ति होती है, इसलिए आरोपी ने रिष्टि का अपराध किया। तो फ्रेंड्स, ये रही 425 के पूरी परिभाषा और पूरे तत्व को उदाहरण सहित मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसके दंड के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके जो दंड दिए गए हैं आईपीसी की धारा 426 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस धारा के अपराध कम से कम गंभीर रिष्टि के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करते हैं, यानी जो 426 है यह कम गंभीर अपराध के लिए रिष्टि का जो नुकसान होता है उसके लिए किया गया है, और अगर कम गंभीर वाले रिष्टि का अपराध समझौता योग्य होता है। दोस्तों, यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का बात करें तो कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। सजा की बात करें तो इसमें 3 माह का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।